much. Please watch the film. Thank you. आप सबको पता चलो कि एक एंथोलॉजी फिल्म है. एंथोलॉजी फिल्म का मतलब यह है कि एक फिल्म के अंदर तीन छोटी फिल्म्स होंगी और इसमें डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं. जी मेक साहब हैं, नवीन साहब हैं और मरीना जी हैं. जो मरीना जी ने फिल्म बनाई है उसमें मैं हूँ. उसका नाम है कसूरी एंड आई एम प्लेइंग जस्ट बॉय नेक्स्ट डोर. एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म, मजे की है, एंजॉयबल फिल्म है. फैमिली के बारे में, बड़ी फैमिली के बारे में. सो हमारे फिर सिनेमा गोअर्स जो हैं क्या वैसे ही देखने जाते हैं? सबसे बेहतरीन फिल्म एक्ट्रेस आपकी नज़र में कौन है आजकल? ड्रामा सीखे रेगुलरली देखिए आप, मुझे ज़्यादा पता चल गया, पहले नहीं था पता. अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छी फिल्म देखने वालों से क्या कहना चाहती हैं? देखने वालों से कहूँगी कि ज़रूर फिल्म को सपोर्ट करें और दोबारा से आए. कोविड के बाद से ना नज़र लग गई है, हमारे लोग फिल्म देखने नहीं आ रहे हैं. एक बार बचाइए कि पॉपकॉर्न बहुत ख़राब हो गए हैं. मैंने पूछा क्या हुआ, कह रही थी वोट पे रिएक्शन लगी, पॉपकॉर्न लोकल आ रहा है. मैंने कहा एक्सपीरियंस ख़राब किया, बट कोई बात नहीं, घर से पॉपकॉर्न नहीं आया लेकिन आपने. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अल्ले गर्मी, ओह माय गॉड. अच्छा मैं सही बोल रहा हूँ ना? अच्छा आमना जी ये बताइए कि आप क्या कहेंगी आज के इवेंट के हवाले से? बहुत अच्छा इवेंट है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. सॉरी आप स्टार्ट से आ जाएं. या प्लीज, आपकी भी सॉरी. ओके लेट्स डू इट. जी क्या कहेंगी आज के इवेंट के बारे में? वेल I think C Prime has taken a very good initiative to sort of bring all the business directors in Pakistan to come together and make short films. So badi ek khoobsurat baat hai iske humne barabar wale mulk mein aur Hollywood aur Bollywood mein to dekha hai kis tarah se bade directors jo saath aate hain aur bahut interesting filmein banate hain. Aapne nation ke liye kaafi cheeze is tarah ki dekhi hogi. C Prime के लिए ये स्टेप लेना आई थिंक इट्स ग्रेट. जितनी कहानियों के बारे में मुझे पता है वो बहुत सी थी. एक फिल्म में मैं भी हूँ, एक किरदार कर रही हूँ नदीम बेग साहब की फिल्म में और उसमें मेरे साथ महविश हैं, वहाज हैं, ज़ाहिद अहमद हैं एंड सो बहुत प्रॉमिसिंग कहानियाँ हैं. बहुत प्रॉमिसिंग तरीके से, टेक्निकली वेरी साउंड तरीके से शूट हो रही हैं. सो ओवरऑल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग बैंग प्रोजेक्ट. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. तो सब इंडिविजुअली अपने लेकिन अभी आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, आप लोग जो ट्रेलर देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा. वहाँ पे नेट चला, मैंने तो अभी बिल आया ना, पता चला.
मैं तो उसका रेट रेट बड़ा खतरनाक करता है, कोई 100-150 रुपये पर एमपी करता है। बट फर्स्ट डे मुझे थोड़ा सा ये हुआ था, द फैक्ट थी वो इतनी कंफर्टेबल थी कि मैं अगले 2-3 दिन जो हमारे शो की मैं ऐसे हो गई, इट्स अबाउट माई स्किन, सो आई गॉट रियली कंफर्टेबल। बट साड़ी की बहुत अच्छी, बहुत श्रद्धा जी बताएं बहुत अच्छी साथ बहुत अच्छी बट मुझे अच्छी बात ये लगी कि उनके साथ पहली बार काम करी थी लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था, सो वेरी प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंट। तो ये आपने शायकी ने फिल्म के लिए महवेश हयात जो है क्या पैगाम भेजा? नहीं, लोगों के पैसा वसूल है, एक टिकट के पैसे में 3 पहली कहानियाँ और आपको सीखेंगे सिनेमा स्क्रीन पर जरूर जाइए। अच्छा एक सवाल और करूँगा, रिमाइंड में एक नेकलेस दिया अरे कोई नेकलेस दे दिया था यार, ये सब झूठ है, डोंट बिलीव। एक और चीज मैं कहूंगी सबसे, जो कुछ आप मीडिया में देखते हैं सब सच नहीं होता, अपना दिमाग एज यू कैन सी हर जगह आपको ये नाम नजर आ रहा है, सी प्राइम और तेरी मेरी कहानियां। पहले तो ये मैं बता चलूं कि मैंने भी इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत काम किया। जब मुझे नाम बताया गया तो पता चला कि इसके अंदर 3 मुख्तलिफ राइटर्स जो हैं वो फिल्में लिखेंगे, जिनमें अली अब्बास नकवी, बासित नकवी, मेरा नाम भी था और खलील रहमान साहब का नाम भी था। तब मुझे लगा कि मुझे कह रहे हैं कि फिल्म का नाम होगा टेढ़ी मेढ़ी कहानियाँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, इस बार खलील साहब सीधी लिख रहे हैं। तो अच्छा, आप लोगों को कसम है किसी ने अगर इस वक्त इंस्टा लाइव करके खलील साहब को टैग किया हुआ ना, क्योंकि आप लोगों ने यही जाना, सिर्फ मैंने वापस बताया। तो सी प्राइम इज द बिगेस्ट शॉर्ट फिल्म जिस लेवल के अंदर आज इस किस्म की झलक नजर आएगी इन तमाम चीजों की। तमाम टॉप नॉच डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, टॉप नॉच कास्ट को यूटिलाइज करते हैं। फिल्म का आइडिया कहाँ से आया? हम लोग शॉर्ट फिल्म्स करते हैं और आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव सीन सी प्राइम, तो बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स किए हैं। उसके बाद फिर ऑब्वियसली सब फिल्म मेकर्स का होता है कि सिल्वर स्क्रीन अल्टीमेट गोल होता है, तो हम लोगों ने कहा प्रिसाइज और हम्बल तरीके से सारे प्रोसेस को बताया। यू डू रियलाइज दैट actors that you have gotten for these films and the directors that you have gotten, ye ek jagah pe ikatthe karna aasan nahi hai. Alhamdulillah, hum logon ne sabse pehle Nabeel ke sath kaam shuru kiya aur jab hum log kaam kar rahe the, thanks to Nabeel, to Nabeel ke sath kaam karte hue ehsaas hua ki nahi, jab hum log ek film director ko lete hain to phir it was really nice of Nadeem ke Nadeem ne bhi is cheez ko kaha ki ha theek hai, we'll come. और फिर मरीना को हम लोगों ने अप्रोच किया and here we are. Here we are. बहुत फिर से आपने सिंपली इस प्रोसेस को बताया। 3 फिल्में हैं जो कि इसके तेरी मेरी कहानियां के अंदर इंडिविजुअल नामों के साथ भी हमें देखने को मिलेंगी। एक उनमें से है 100 साजन महल, जो कि नबील ने डायरेक्ट की है, और उसके अंदर हिरा मानी और सादा मानी नजर आएंगे हमें। गुलिराना जी भी हैं उसके अंदर। ओ यस बिल्कुल, बहुत मजेदार काम किया है इन दोनों ने, और मैं पहले पहली दफा ये फिल्म में, और ये इसमें महवेश और वहाज नजर आएंगे पहली बार, और आई थिंक वहाज का डेब्यू होने जा रहा है। वहाज का डेब्यू है, बिल्कुल वहाज का। जितने आज कल वहाज के सोशल मीडिया पर फैंस हैं और जितने इनके नाम पे क्लब्स बने हुए हैं, आपको कसम है अपनी अम्मियों की, आप सबने सिनेमा की फिल्म देखनी है। जाहिद अहमद भी इसके अंदर हैं, आमना भी है इसके अंदर, बिल्कुल बड़ी एक बड़ी कास्ट आपने इकट्ठी कर ली हुई है इसके अंदर, बिल्कुल। और नदीम के साथ वो हैं सारे। कुछ तो कहिए अमजद साहब, मेरे पास कितने मिनट हैं बात करने के? अमजद साहब आपको कितने मिनट चाहिए? 5। आप 6 लीजिए। प्लीज आइए। बहुत शुक्रिया। उनके 3 प्रिंसिपल ऐसे थे जिनसे मैं, एक तो मैं नहीं कर सका। रात पढ़ते हुए वाकयात के सबब ईशा के बाद घरों से निकलने से गुरेज करें, सिर्फ जरूरी
बहुत मजबूरी में रह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, किस घर में हम रह रहे थे वहाँ पे भूत है। ये चीन बहुत खुश ना हो गए, मुझे तो हिंदी है, उन्हें कैसे दिखेगा। काश हम भूत होते तो कहीं पे भी आराम से रह लेते। खुदा की कसम दिलावर साहब, मैंने ऐसी कुछ भी नहीं देखी। मेरा तो दिल घबरा रहा है। आज हमारी शादी है ठीक 5 घंटे। सब तैयार होके 7:30 बजे यहाँ पहुँचे। आज मेरा बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा। ठीक 7:40 बजे हम यहाँ निकलेंगे। कोई मसला हुआ है इसीलिए तो मैं इतनी जल्दी इस तरह बुलाया। गूगल मैप के मुताबिक तकरीबन 25 मिनट का रास्ता इस हिसाब से हम रोमैसा घर के बाद 8:05 पे हो। 8 घंटे पहले तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो। मैं ऐसे सोच कैसे सकती हूँ, लड़की हूँ ना। और 8:10 पे हमने वारदात डाल देंगे। सब छोड़ छाड़ के दुनिया के जमीनों से तू पंख लगा के उड़ जा। बॉस मेरी माँ तू चाहती क्या है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गायब हूँ। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। तुम मेरे बाप को नहीं जानती, ज़बह कर देगा मुझे। What are rules of love? क्या पेंट करते हैं? खूबसूरती। तो अभी अगर आपको कैनवस और ब्रश मिल जाए तो क्या पेंट करें? अभी इकबाल को गुजरते हुए देखा। शादी शुदा है हम। नहीं लगती ना? बिल्कुल भी नहीं। दोस्त बनकर वादा कीजिए, वफादारी मांगी नहीं। का काम नहीं करते, यू नो यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ फिल्म्स दैट यू मेक, मगर ये हॉरर कॉमेडी का आपको क्या कुछ छुपा हुआ कोई दिल में ख्वाहिश थी? ये ख्वाहिश नहीं थी, अगर मैं इसको भी देखूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन जब लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह की चीज़ है। ये वही टाइप की चीज़ है जैसे फिजौर में बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ। और आई थिंक क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए सोच के कर रहा था या शॉर्ट फिल्म कर रहा था, तो मैंने कहा कुछ एक्सपेरिमेंटल जो है वो करते हैं, कुछ डिफरेंट चीज करते हैं जो हम सिनेमा के लिए नहीं कर रहे होते यूजुअली। तो आई थिंक अब ये सिनेमा पे चल जाएगी तो अच्छी बात है। हीरा, आप क्योंकि टेलीविजन करती हैं और आप बड़ी प्रो हैं ड्रामेटिक सीन्स करने में और रोने में, और बड़ी आप यूं करके कर देती हैं, तो इस फिल्म में इस किस्म का कोई मौका आपको मिला या बिल्कुल कोई चांस नहीं दिया उन्होंने? ये फिल्म नहीं, इस फिल्म में हर तरीके का मौका मिला है। और नबील तो जाने देते हैं, अगर आप स्क्रिप्ट में थोड़ा ऊपर नीचे कर दें अल्फाज तो वो भी नहीं जाने देते, और अगर आप एक्सप्रेशन में कुछ इधर उधर कर दें तो वो भी नहीं जाने देते। नबील बेसिकली इस फिल्म का जो मेन जिन है ना वो नबील है। अच्छा, हाँ नबील जिन बहुत एक्चुअली मेरे साथ मसला है कि मैं चीजें आगे पीछे करता हूँ, आप जी जी। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरे लिए संभल के काम करना और अपने किसी और के नीचे अंडर आके काम करना, तो फिर मैंने दे दिया, मैंने कहा भाई तू ले ले अपने। मैंने इसलिए हीरा को भी रखा था, मैंने कहा अंडर करना हीरा को रखा था। ओवर नहीं करना, मगर नहीं, बट ये डिफरेंट मेरे लिए भी था क्योंकि वो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मैं मेन लीड कैरेक्टर करती हूँ और हीरोइन हूँ अपने ही अंदर एक, तो इस तरह का कैरेक्टर करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए मुश्किल होता है कि आप अपना हाल बुरा कर लें, आप मुंह पे मेकअप ना करें, आप बिल्कुल भी डार्क स्किन और काजल, आपने देखा होगा इस तरह का कैरेक्टर मुश्किल है। तो मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था, मैंने कहा मैं ये भी करूंगी, क्यों नहीं करना चाहिए, हर मतलब एक्टर को हर चीज करनी चाहिए। इस फिल्म में आपने नो मेकअप लुक वाला फिल्टर यूज किया? नो मेकअप नहीं, मेकअप और वो भी ब्राउन, और नहीं साथ में बुरा भी लगाया बकायदा, हॉरिफाइंग मेकअप लुक, मट्टी हॉरर नहीं, लेकिन अब ज्यादा बताऊंगा फिर। हाँ यार, नहीं ठीक है, ठीक है। तो आप ईद के दिन खुद जाएंगे अपनी फिल्म देखने के लिए? देखिए मैं कुरैशी हूँ, अगर मैं बिजी नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा। एक्चुअली मेरी दो फिल्में आ रही ईद पे। सॉरी क्या कह रहे थे? मेरी दो फिल्में आ रही ईद पे, तो मैं कर ले सब प्रमोट कर ले, मतलब आज अगर मिल गया ना मौका, ये कोटा, ये कोटा इस ईद पे खत्म हो जाए। अच्छा, ईद के ऊपर यानी कि वो जो आपने पिछले इतने सालों में इकट्ठी की है वो सब निकल जाएगा? पांच में से कोई एक तो हिट होगी। हाँ, ये ऐसे नहीं कहते हमारे मिशन डायरेक्टर है, सनी वाले कुछ दोस्त हैं, अरे तेरी एक तो हिट होगी, तेरी खुश हो गए वहां से, आपको खुश किया है? नहीं, मुझे खुश कर रहे हैं आप, मैं देख रही हूं। हीरा, हमारी आड़ में आप जिस किस्म के तीर दाग रही हैं वो हमें पता है। आप खुश हो, मगर आपकी खुशी भी इम्पोर्टेंट है, लाहौर से आए यार। नहीं, मेरी खुशी तो बिल्कुल हालात कैसे लाहौर में आजकल? मैंने बताया था आपने शुरू में देखे नहीं कि हमारे हालात है, लेट आए, मगर खैर मेरा हेलमेट साथ है मेरे, मैं ऊपर छोड़ कर आया हूँ कमरे में। मगर वी होप टू सी यू गाइस
yourselves in the cinemas as well on बड़ी ईद और आप देखिएगा कि कैसे लगेगा और दूसरी वाली भी आपने दोनों की देखनी है मतलब ये नहीं वाली देख के उठ चले जाओ टिकट लेंगे पूरी फिल्मों का ना तो पूरी देखेंगे हाँ और मैंने आपने भी टिकट लेनी है मैं हमेशा टिकट लेके फिल्म देखता हूँ मैं प्रीमियर मिस करता हूँ लेकिन मैं टिकट देके फिल्म देखता हूँ ये चीज ये होना चाहिए जज्बा ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मानी हीरा एंड नबील थैंक यू सो मच गाइस मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ लेकिन वो तो अवार्ड पे कहना था सॉरी हाँ बिल्कुल तुमने देखा है बड़े कोई नाच गाना भी है और डांसिंग भी हो रही है जी जी बिल्कुल तो ये क्या आर यू प्रो एट इट नहीं सिर्फ एक्टिंग में दिखा रही थी कि आप इतना एंजॉय कर रही हैं नहीं मैं तो एक्चुअली एंजॉय कर रही थी ऑल थैंक्स टू शरियार एंड अनन्या सुमेधा जी ये तो मास्टर है शादी के गाने पर डांस करने के सर आप आपकी सोच है मुझे अंदाजा है 1 2 3 4 5 और मैं जरा थोड़ी सी यू नो लेकिन मजा आया बहुत लेकिन नहीं मैं गा नहीं सकती अगर आप मुझे भी गाने का कहने वाले हो तो मैं आपको क्यों ऐसा लग रहा है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाला आप खुद ही चोर की दाढ़ी मुझे बता नेगा जी ने तो हमें इसमें सिखाया था 1 2 3 4 5 कहां से आया ये 5 का मसला था ही 5 का वैसे आप भी इस फिल्म में भी कोई हमें लग रहा है कोई शादी ब्याह का कुछ चल रहा है बैकग्राउंड जी तो आपको बड़ा शौक है शादी ब्याह शूट करने का और उनकी कहानियां बताने का एक्चुअली आई लव रोमांस टू वॉच रोमांस नॉट टू डू रोमांस बट आई लव टू वॉच रोमांस एंड आई लव टू पोर्ट्रे इन अ वे दैट पीपल फील समथिंग सो अ रोमांटिक कॉमेडी इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट सो आई थिंक दैट्स व्हाई शादी ब्याह हैप्पी एंडिंग्स होनी चाहिए और आप एक बड़ी कोई कुछ ओवर एक्साइटेड कुछ एनर्जाइज क्रेजी किस्म का एक कैरेक्टर कर रही हैं अनुषा आर यू लाइक दैट एनीथिंग लाइक दैट इन रियल लाइफ नदीम भाई को भी पता है नदीम भाई को नहीं नहीं बस इनपे हम किया ना तो मैं रिक्स नहीं लेती हूँ अपनी जिंदगी में अच्छा जी सर आप रिक्स लेते हैं रिक्स लेते हैं रिक्स आपने देखा नहीं इतना बड़ा शॉट मेरा कुर्ता फटने का इससे बड़ा रिक्स क्या ले सकता हूँ मैं कहा नदीम स्क्रिप्ट में ये लिखा था मुझे 3 महीने पहले बताता है नजरा थोड़ी तैयारी शारी करता है अच्छा वो वाला बताया था कोई मेकअप करता तेल शेल लगाता कोई ऐसा शॉट होता पता ही नहीं चला सीन आया वो भी गया ये भी एक मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं देखे ये होते हैं फिल्म स्टार्स हर वक्त उनको मसला होता है कि ये कैसी आखिर एक्चुअली चीज लगेगी मगर खैर हो गया बट आई एम श्योर द पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस एंड दोनों के अच्छे हैं फिल्म देखेंगे फिर हम तबसरा करेंगे तबसरा करेंगे व्हाट अबाउट यू आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग दैट वन इज गोइंग टू गेट टू सी 3 films इन अदरवाइज हम कहते हैं अच्छा 2 घंटे बैठना है सो हियर इट्स गोइंग टू बी दैट्स वेरी एक्साइटिंग पार्ट And what about you, Ramsha? देखिए आई एम अ ह्यूज हॉरर थ्रिलर फैन तो मुझे तो जिन महल का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा लेकिन आई एम ऑल्सो लव स्टोरी फैन तो मैं और ये मतलब ये है ना कि आपका मूड हो लव स्टोरी देखना तो फिर हॉरर की आप फैन है लव स्टोरीज की भी आप फैन है किस चीज की फैन नहीं है जॉनर की बात हो रही है बता था ना ये खवातीन से पंगा नहीं चल रहा नहीं नहीं एक्शन की फैन नहीं है अच्छा सॉरी ओए होए एक्शन की फैन नहीं है शुक्र है हमारे पास कोई एक्शन फिल्म नहीं है इस वाली और ना में आप भाई जी पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये तो एक ही फिल्म है 3 फिल्में तो है नहीं तो आप सब एक ही दफा देखने जाएंगे सिनेमा में बिल्कुल तो हमारी फिल्म की जीत हो मतलब उस पार्ट की जीत हो या तीसरे पार्ट की जीत हो जीत तो फिल्म की है तो अब एक टीम की तरह हम काम कर रहे हैं अगर हमसे कोई गलती होगी हम चूक गए तो कोई और उठा लेगा उनसे गलती होगी तो तीसरा उठा लेगा
तीनों एक साथ हम गाड़ी ले ही चलेंगे। क्या बात है, huge round of applause for Ramsar Shehriyar and Marina ji, thank you so much guys। एक दफा फिर से मैं बताता हूँ, वासे मैंने पहली दफा आपकी स्क्रिप्ट की, एक दफा अगर आपको सबको नहीं पता था, एक दफा वासे के लिए भी तालियां बजाएं, उन्होंने लिखी है इसकी स्क्रिप्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वो एक अलग प्रेशर था, नॉर्मली मैं इतनी वर्किंग नहीं करता अपने प्रोजेक्ट्स पे, इतना सोच के नहीं, अभी नहीं करता। अच्छा, तो जब इस फिल्म पे मैं आया तो मैंने काफ़ी दिन पहले से ही वर्किंग शुरू कर दी और एक अपना होमवर्क किया और ऐसे सोच के आया कि खलील साहब का स्क्रिप्ट है, बड़ी डेप्थ के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ जो है जुमले अदा करेंगे। लेकिन पहली रीडिंग में नदीम साहब ने मुझे बता दिया कि बेटे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो जितना सोच कर आए हो वो अपने तक रखो। वैसे आपकी खलील रहमान साहब, वैसे महवेश के साथ भी आप पहली दफा काम कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और इससे पहले आपने महवेश की फिल्में वगैरह देखी हुई हैं? ऑफकोर्स जी, मैं फैन हूँ महवेश। ओहो, महवेश हयात का फैन, तो क्या बात कर रहे हैं, तो कैसा लगा इनके साथ, सही काम करती हैं? मैं तो अपने आप को देख रहा था इनकी आंखों में, ये तो मैं तो जज ही नहीं कर पाया कि कैसा करती है। अच्छा, अब मजे की बात यह, आप इनकी आंखों में भी खुद को ही देख रहे थे, सारा फोकस खुद पे था, मतलब इतना सेल्फिश लड़का यार, कुछ सामने है देख तो लो भाई, खातून बेचारी कर रही है एक्टिंग। मगर मैं भी दोबारा एक बार खलील रहमान कमर के इंटेंस डायलॉग्स, दोबारा नदीम बेग तो हमायूं सईद नहीं थे, वो हमायूं सईद नहीं थे, मगर उनको एक बहुत ही बस वो नेचुरली एक होता है कुछ के बढ़ जाती है टेंशन, बट आई वाज लाइक इस दफा इनका पूरा फोकस, प्राइमरी फोकस मैं और वैसे आप बाकी गाइस एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड प्लीज डू वॉच द